नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 15वां मुकाबला अबुधाबी के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक समय राजस्थान रॉयल्स की हालत बेहद खराब नजर आ रही थी, लेकिन महिपाल लोमरोर और अंतिम ओवरों में राहुल तेवतिया की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और लगातार अंतराल पर उसके विकेट गिरते चले जा रहे थे। एक समय स्कोर 70 रन पर 4 विकेट तक हो गया था, लेकिन इसके बाद महिपाल लोमरोर ने एक शानदार पारी खेली। महिपाल ने 39 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली, जिसमें एक चौका और 3 छक्के लगाए। लेकिन एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए हीरो बनकर आए राहुल तेवतिया। जी हाँ, राहुल तेवतिया ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। राहुल तेवतिया ने आखिरी ओवर में नवदीप सैनी को 2 बड़े छक्के लगाए, उसमें एक छक्का तो उन्होंने सिर्फ फ्लिक किया था जो छक्के के लिए चला गया। छक्के को देखकर कमेंटेटर्स तक हैरान रह गए थे कि उन्होंने सिर्फ गेंद को फ्लिक किया था और गेंद इतनी दूर कैसे जा सकती है। आपको बता दें, राहुल तेवतिया ने इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें 3 बड़े छक्के लगाए। आपको बता दें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं ईश्वर उडाना ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 41 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल किए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।